कि उसके मेमने के से दो सींग हैं और ये अजगर के समान बोलता है। मेमने के दो सींग हैं, मेमना किसको दर्शाया जाता है? सही माने में अगर देखा जाए तो मेमने का प्रयोग जो है वो यीशु मसीह के लिए प्रकाशित वाक्य में किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक के विषय में उसके 5वें भाग के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक के उसके 6ठे भाग के विषय में जो है हम सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक हम पढ़ देते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर की, वेदी की और उपासना करने वालों को नापने की। नापने का अर्थ हम पिछले संदेशों से बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो चीजें नापी जा रही हैं, ये इसका संबंध जो है वर्शिप से है और वर्शिप जो है वो किस प्रकार से करने जा रहे हैं, किस तरीके से है। और पिछले संदेश में हमने ये देखा था कि हम जब पवित्र स्थान के अंदर में रखी जो चीजें हैं उनके अंदर जो सेवकाई है, जो वर्शिप है, वो जो है वो की जा रही है, कैसे की जा रही है, उसके बारे में हम लोग जो हैं उन भेदों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य में जब लिखा है कि पवित्र स्थान में जो 7 दीपट रखी गई थी, जो मूसा के समय में रखी गई, सुलेमान के समय में रखी गई, और यहाँ यूहन्ना जो है उसी पवित्र स्थान में उन 7 दीपतों का दर्शन पा रहा है, जिसमें वो यीशु मसीह को देखता है, जिसके हाथ में 7 तारे और 7 दीवट हैं, और उन वो जो 7 दीवट है वो 7 कलीसियाओं का को दर्शाता है, और वो 7 कलीसियाएं जो है वो 7 समय काल को प्रकट करती हैं, और ये 7 समय काल जो है जो चल रहा है ये अंतिम कलीसिया का समय काल चल रहा है, यानी लोकदियाई कलीसिया का जो समय काल जो है वो चल रहा है। पिछले संदेश से मैं एक बात कहता आ रहा हूं कि लोकदियाई कलीसिया का समय काल 1844 से क्यों होता है, ये बात आपके मन में उठी होगी या आपके मन में उठ रही होगी या क्यों होना चाहिए, इसका कारण क्या है, इस चीज को समझेंगे। और इस चीज को समझने के लिए बहुत सी बातों को और भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, डैनियल 7 अध्याय जब 17 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर जो है 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ जो है वो 4 राज्य जो है वो प्रकट किए गए हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। अब आप कहोगे लोकदियाई कलीसिया से एकदम से ये जंतुओं पे, ये यानी पशुओं पे कहां से आ गए, ये जो है कि ये यही तो भेद है, इन्हीं भेदों को जो है वो समझना है। क्योंकि यदि आप लोकदियाई कलीसिया काल के समय काल के आरंभ को समझना चाहते हैं तो इन जंतुओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डैनियल 7 अध्याय उसके 17वें पद में जंतुओं का वहां अर्थ दिया गया है, यानी जो पशु हैं जो डैनियल देख रहा है उन पशुओं के अर्थ जो हैं वो वहां बताए गए हैं कि ये पशु जो हैं, जो 4 पशुओं को वो देख रहा है, ये 4 राज्य हैं। जी हाँ, वो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, वो सिंह को देखता है, यानी ये बाबुल राज है जो 606 BC से लेकर 538 BC तक रहा, जिसमें नबुकदनेस्सर राजा था, और रीच को देख रहा है, रीच यानी भालू को देखता है, ये मादा फारसी राज को प्रकट करता है 548 से लेकर 331 BC तक, और फिर ये चीते को देखता है, चीता यानी यूनान को प्रकट करता है 331 BC से लेकर 168 BC तक, और भयंकर और डरावना जंतु वो एक देखता है, यहां पर उसका नाम नहीं है कि वो कौन सा जंतु है, बस वहां लिखा है भयंकर और डरावना जंतु है, ये रोम को प्रकट करता है 168 BC से लेकर 476 AD तक, इसका समय काल जो रहा है। फिर डैनियल 2 और जंतुओं को देखता है, डैनियल जब आप
आठ अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पर वो एक मेड़े को देखता है। मेड़ा जो है मादी और फारसी राज को दर्शाता है, बकरा जो है जो बकरे को देखता है वो यूनान को दर्शाता है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे और उनके अध्याय में से आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका पहला पद और 11वां पद, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 13वां पद, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से 5 तक, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 20 पद, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 पद। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से पशुओं का जिक्र किया गया है। अब ये जो पशु हैं ये किस किस चीज को प्रकट करते हैं, किन किन चीजों को प्रकट करते हैं, देखिए मैं आपको बड़े सरल तरीके से बता रहा हूं और ये जानना हमारे लिए जरूरी है। क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि लौदीकियाई कलीसिया का जो समय काल शुरू हुआ है वो कैसे हुआ है उसके बारे में, उसके भेद के बारे में जान रहे हैं। जी हाँ, अब ध्यान दीजिएगा जरा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, देखिए मैं पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं, मैं समझाने के लिए आपको पद दे रहा हूं, आप घर में पढ़ सकते हैं परंतु मैं वहां पर समझा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 पद में जो लाल अजगर है वो शैतान को प्रकट किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 पद आप पढ़ सकते हैं, वहां क्लियर हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे कि समुद्र में से यूहन्ना एक पशु को निकलते देखता है और जिसके जो है 7 सर और 10 सींग हैं, ये रोम को प्रकट करता है। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसके 11वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है पृथ्वी में से जो पशु निकला है ये अमेरिका को प्रकट करता है। जी हाँ, ये अमेरिका को दर्शाया जाता है। और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसके 13वें पद में 3 पशु हैं, अजगर शैतान को दर्शाता है, पशु रोम को और झूठा भविष्यवक्ता। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यानी जहां आप सिर्फ पशु का जिक्र पढ़े तो वो रोम है और जहां आप झूठा भविष्यवक्ता के बारे में पढ़े तो वो अमेरिका है, और आप अजगर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो शैतान है। इन बातों को दिमाग में बनाए रखिएगा, ये अलग अलग नहीं करिएगा कि वहां तो सिर्फ पशु दिया गया है, ये पशु क्या, सिर्फ पशु दिया गया तो वो रोम है और झूठा भविष्यवक्ता दिया गया है तो वो अमेरिका है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यानी ये कौन है या आगे जाके हम देखेंगे। फिर प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से 5 तक, जो पशु है वो रोमराज है और उस पशु पे जो स्त्री बैठी हुई है वो भ्रष्ट कलीसिया है। ये भ्रष्ट कलीसिया कौन सी है, क्यों है, ये जो है आने वाले समय में जो है इसके बारे में खुलासा करेंगे या इस भेद को परमेश्वर प्रकट करेगा आने वाले समय में। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 20 पद में और प्रकाशित वाक्य 20 के 10 पद में जो शैतान जो है वो आरंभ से शैतान है और रोम को प्रकट किया गया है और अमेरिका को जो है वो प्रकट किया गया है। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, पशु जो है रोम राज को जो है डैनियल की किताब से प्रगटीकरण उसका हो रहा है, और शैतान की बात कर रहे हैं उत्पत्ति से वो शैतान का को दिखाया बताया जा रहा है, उसका प्रगटीकरण हो रहा है। अब जब हम झूठे भविष्यवक्ता की बात करते हैं, इस पशु की बात करते हैं जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 11वें पद को मैं पढ़ देना चाहता हूं। फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के 2 सींग थे और वे अजगर के समान बोलता था। अब ध्यान करना, जो पृथ्वी में से पशु निकला है अब इसके स्वभाव को वहां पर प्रकट किया जा रहा है। अब इसका स्वभाव जो है किस चीज को से प्रकट हो रहा है, इसका स्वभाव कि उसके मेमने के से 2 सींग है और ये अजगर के समान बोलता है। मेमने के 2 सींग है, मेमना किसको दर्शाया जाता है, सही माने में अगर देखा जाए तो मेमने का प्रयोग जो है वो यीशु मसीह के लिए प्रकाशित वाक्य में किया गया है। फिर मैंने एक वध किए हुए मेमने को देखा, फिर मैंने सिंहासन के बीच में मेमने को देखा, इस तरीके से जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो प्रकट किया जाता। और अजगर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि अजगर किसको प्रकट किया जाता है, शैतान को प्रकट किया जाता है। अब ये दोनों खूबी, दोनों क्वालिटी जो है, ये जो पृथ्वी में से पशु निकला है इसके अंदर दिखाई देती है। इसका एक अर्थ और भी है, इसका एक अर्थ यह है इसकी कथनी और करनी में अंतर है, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। ये स्वभाव तो बिल्कुल शांति वाला, प्रभु यीशु मसीह की तरह शांति वाला और अच्छा स्वभाव दिखाने की कोशिश करता है, परंतु इसके अंदर जो स्वभाव जो अजगर जो शैतान वाला है वो प्रकट करता है, और ये बात जो है अमेरिका जो राज्य है उसके अंदर बिल्कुल फिट बैठती है।
क्योंकि अमेरिका एक ऐसा राज है वो कहता कुछ है और करता कुछ है, ये बिल्कुल फिट इसके अंदर बैठती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये झूठा पशु जो है, हम राज को क्यों उदय कर रहे हैं, राज के भेद को क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकदियाई कलीसिया का काम काल जो है, समय काल जो है, वो एक राज से जुड़ा हुआ है कि जब वो राज उदय होता है तो उस राज के उदय होने से जो है वो सारी चीजें, क्रियाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। उसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब उसको समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे। अब ध्यान करना, अमेरिका के बारे में जब हम बात करेंगे, अब जो डेट मैं आपको दे रहा हूं, उन डेट को बहुत संभाल के दिमाग में बनाए रखना, क्योंकि उस डेट के द्वारा ही सारी कहानी जो है वो आधारित है। अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? 4 जुलाई 1776 में। जी हां, 4 जुलाई 1776 में, और इसको 3 सितंबर 1783 को मान्यता दी गई, तथा 21 जून 1788 को इसके संविधान की स्थापना जो है वो की गई। अब ये जो है, ये राज जो है, किस तरीके से उदय हुआ, कब हुआ, यानी 1776 ईस्वी में। मगर यही कलीसिया काल का समय काल जो आरंभ हुआ है, क्यों आरंभ हुआ है, किस लिए आरंभ हुआ है, ताकि अमेरिका जो है वो, उसको क्या कहा गया, एक झूठा भविष्यवक्ता। अब झूठा भविष्यवक्ता होने के लिए कुछ ना कुछ तो झूठ होना चाहिए। अब उस झूठ के बारे में जो है वो हम सीखेंगे, परंतु अभी नहीं, आने वाले वीडियो में, उसमें सीखेंगे कि वो कैसे झूठा भविष्यवक्ता प्रकट होता है। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दें।